सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। दोनों मुलजमान को सजाए मौत सुना दी गई है। अहम खबर है, लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। एडीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस का फैसला लिखा और अब से कुछ देर बाद जो है ये फैसला सुना दिया गया है। आपको बताते चलें कि दोनों मुलजमान को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि आबिद मलही और उसके दोस्त शफकत ने मोटरवे पर एक खातून के साथ गैंग रेप किया था, जिसके बाद ये केस जो है वो चला था, हाई प्रोफाइल ये केस बन गया था, जिसके बाद कई समातें हुई थी और आज इस केस का फैसला सुना दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस, एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस का फैसला लिख दिया और केस का फैसला सुना दिया गया है। 18 मार्च को ये केस का फैसला जो है महफूज किया गया था, आज ये सुनाया जाना था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। दोनों मुलजमान को सजाए मौत सुना दी गई है। दोनों मुजरमान को, आबिद मलही और उसके साथी शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में फैसला सुनाया है। आपको बताते चलें कि कैंप जेल के बाहर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद है और सिक्योरिटी की जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं कैंप के बाहर भी और कैंप के अंदर भी। और आपको बताते चलें कि लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में फैसला सुनाया है। दोनों मुलजमान को सजाए मौत सुना दी गई है। आबिद मलही और शफकत अली को मौत की सजा सुना दी गई है। खातून के साथ इंसाफ किया है अदालत ने, उस खातून के साथ जिसे उसके बच्चों के सामने बेदर्दी के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया था मोटरवे पर, उसके साथ इंसाफ हुआ है, अल्लाह ने इंसाफ किया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस का फैसला लिखा और ये फैसला जो है 18 मार्च को महफूज किया गया था, आज ये फैसला सुनाया जाना था कैंप जेल में। आपको बताएं कि फैसला सुनाए जाने से पहले कमरे अदालत में जज अरशद हुसैन भुट्टा और दीगर जजेस मौजूद थे। इसके अलावा मुलजिम आबिद मलही और शफकत अली को भी पेश किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। मुलजिम आबिद मलही और उसके साथी शफकत को सजाए मौत की सजा दे दी गई है, सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। दोनों मुलजिमान को 50,000 रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म सुनाया गया है। आबिद मलही और शफकत पर जुर्म साबित हुआ है, दोनों मुजरिम साबित हुए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सजाए मौत की सजा का हुक्म सुना दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आ गया है। आबिद मलही और शफकत पर जुर्म साबित हो गया। डिप्टी कमिश्नर, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है और आबिद मलही और शफकत पर जुर्म साबित हो गया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुना दी है। आबिद मलही और शफकत पर जुर्म साबित हो गया, दोनों को सजाए मौत सुना दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला जो है वो आ गया है, उस केस का फैसला आया है जिसका बहुत शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने उस केस का फैसला सुना दिया है, दोनों को सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आ गया है। 9 सितंबर 2020 को ये वाकया पेश आया था मोटरवे पर, जिसमें खातून के साथ जो है वो ज्यादती की गई थी और अब जो है इस केस का फैसला सुना दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रही है, इंसदादे दहशतगर्दी केस में ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। मुलजिम आबिद मलही और शफकत पर जो है वो सजाए मौत, उनको सजाए मौत सुनाई गई है। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है, ज्यादती केस का फैसला आ गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मोटरवे ज्यादती केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। आबिद मलही और शफकत पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला जो है वो आ गया है। आपको बताएं कि गुजरपुरा पुलिस ने 9 सितंबर 2020 को इस मुकदमे का, ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया था। मुलजिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। गुजरपुरा पुलिस ने 9 सितंबर 2020 को दौरान डकैती ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया था और आज जो है इसका फैसला सुनाया जाना था और फैसला जो है वो आ गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस
की सजा जो है वो सजाए मौत दे दी गई है। मुलजिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। ATC जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी है। अदालत का दोनों मुलजिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म, इसके अलावा दोनों मुलजिमान को 50,000 रुपये जुर्माने का हुक्म भी सुनाया गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया। ATC ने दोनों मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी है। मुलजिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। उन पर जुर्म साबित हुआ है और मुलजिम से वो मुजरिम बन गए हैं। ATC जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मुलजिमान को सजाए मौत सुनाई है। अदालत का दोनों मुलजिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म, मुलजिमान आबिद मलही और शफकत को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है। दोनों मुलजिमान को 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का हुक्म भी सुनाया गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। ATC ने दोनों मुलजिमान को सजाए मौत सुनाई है। मुलजिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। ATC जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मुलजिमान को सजाए मौत सुनाई है। अदालत का दोनों मुलजिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म, मुलजिमान आबिद मलही और शफकत को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि दोनों मुलजिमान को 50,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। सुबह से ही फैसले का इंतजार किया जा रहा था। कैंप जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा मीडिया नुमाइंदगान जो हैं वो भी सुबह से ही कैंप जेल के बाहर मौजूद थे। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो फैसला सुनने के लिए कैंप जेल के बाहर मौजूद थी और अब वो वक्त आ गया है, फैसला सुना दिया गया है। खातून के साथ जिसके साथ ज्यादती की गई थी, गैंग रेप किया गया था, उसी के बच्चों के सामने उसके साथ इंसाफ किया गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। ATC ने दोनों मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी है। मुलजिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। ATC जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी है। बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आखिरकार फैसला सुना दिया गया, खातून के साथ इंसाफ हो गया। बिल्कुल, आज जो इंसाद दहशत गर्दी की अदालत ने बाकायदा जो है वो खातून को जो है वो इंसाफ फराहम कर दिया। खातून के खिलाफ के साथ जो है इन दोनों मुलजमान आबद और उसने जो है वो बाकायदा यहाँ पर जो है वो ज्यादती का उस खातून को निशाना बनाया था। मुकदमा भी दर्ज हुआ। आज अदालत ने कैंप जेल में फैसला सुनाते हुए आबद मली और शफकत बग्गा को जो है वो सजाए मौत का जो है वो हुक्म सुना दिया। इसके अलावा ये सजाए मौत का हुक्म जो है वो 365A और 376 जो है उसके अंदर जो है वो सुनाया गया। इसके साथ ही जो दीगर दफात हैं उसमें अभी अदालत ने जो मुलजमान को सजाएं सजा और जुर्माने दिए हैं, लेकिन अभी उसकी तफसीलात जो है वो अभी बाहर जो है वो नहीं आई। अभी थोड़ी देर के बाद उसकी तफसील जो है वो बता दी जाएगी कि मुलजमान को जुर्माना कितना हुआ है। तमाम जो मुलजमान ने ज्यादती की थी उस पर जो है वो 365A और 376 जो है इनमें अदालत ने दोनों जो मुलजमान हैं उनको सजाए मौत का हुक्म जो है वो सुना दिया है। ये फैसला सुनने के बाद जो है वो लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर खुशी का भी इजहार कर रहे हैं कि कम अज़ कम ऐसे मुलजम को सजा हुई जिसने एक खातून के साथ ज्यादती की और वो भी बच्चों के सामने जो है वो उसको ज्यादती का जो है वो निशाना बनाया। अदालत में बाकायदा इसकी केस की जो है वो डे टू डे हेयरिंग की गई थी और कैंप जेल में इसकी जो है वो हेयरिंग जो है वो हुई, जिस पर अदालत ने 37 के करीब गवाहों को कलमबंद किया था और उस तमाम में दोनों मुलजमान जो हैं वो कसूरवार ठहराए गए, जिस पर अदालत ने आज अपना फैसला जो है वो सुनाते हुए दोनों मुलजमान को सजाए मौत की सजा जो है वो दी है। जी अच्छा जी, सजाए मौत की सज़ा तो सुना दी गई है। शाहीन अतीक, ये बताइएगा कि क्या दोनों मुलजमान अपील का हक महफूज रखते हैं? जी बिल्कुल, अपील का हक जो है वो हर मुलजम को होता है। जब अदालत अपना फैसला दे देती है उसके बाद दो तीन जगह के ऊपर वो अपील कर सकता है। पहली अपील जो है वो उसने हाई कोर्ट में करनी है। अगर हाई कोर्ट में अपील उसकी नहीं मंजूर होती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ना हो तो उसके बाद उस वो अपील जो है वो सदर पाकिस्तान से जो है वो करता है। ये तीन मराहिल हैं अभी जहाँ से उसने गुजरना है। उसके बाद फिर अगर सदर तक
या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उसकी उनके इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो फिर मुल्ज़म को जो है वो फांसी जो है वो के अहकाम जो है वो जारी होंगे और ये ब्लैक वारंट जो है वो बाकायदा जारी होते हैं। ब्लैक वारंट जहाँ से अदालत ने सजा दी होती है इंसाफ दहशतगर्दी अदालत से यहाँ से ब्लैक वारंट जारी होंगे और बाकायदा तारीख मुकर्रर की जाएगी। उसके बाद जो मुलजमान होते हैं वो उनके वुलसा से उनकी आखिरी मुलाकात कराई जाती है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है और वो अपनी मौजूदगी में मुलजमान जो हैं उनको तख्तादात पर पहुँचाते हैं। उसके बाद उनको फांसी की सजा जो है वो दे दी जाती है। अभी तीन मराहिल हैं जहाँ से इन दोनों मुलजमान ने अभी गुजरना है। उन्होंने अपीलें करनी है, उसके बाद अपील के बाद जो है वो अगला मरहला जो है वो ब्लैक वारंट का जारी होगा। जी शाहीन अतीक, ये बताइएगा कि आप कोर्ट की बीट करते हैं और इसके अलावा कोर्ट से ही खबरें इस तरह के केसेस जो हैं वो आपके प्रोफाइल में रही हैं, ये बताइएगा कि अगर ये लोग अपील करते हैं तो क्या आपने माजी में इस तरह के केसेस देखे हैं कि अपील की गई हो और आगे जाके वो बरी हो गए हो? बात होती है शवाहद के ऊपर कि इंसाफ दहशतगर्दी की जो अदालत है या दूसरी अदालतें हैं उन्होंने जो फैसला दिया है वो किन दफात के तहत जो है वो फैसला दिया है, उनमें कोई खामी तो ऐसी मौजूद नहीं है। अगर कोई खामी सामने नहीं आती आला अदलिया के सामने तो वो फिर मतहत अदालत का फैसला जो है वो बरकरार जो है वो रखती है। कई फैसले ऐसे भी हुए हैं जो मतहत अदालत ने फैसला दिया है लेकिन हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद में मुंतकिल कर दिया है या मुलजमान को जो है वो बरी कर दिया है। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त आती है जब अपील दायर होती है, अपील में जो वकील सफाई होते हैं वो क्या नुक्ता उठाते हैं, अदालत ने तमाम पहलुओं को सामने रखना होता है और उसके बाद फिर अदालत अपना फैसला जो है वो देती है और मतहत अदालत में जो फैसला किया गया होता है उसके हवाले से भी वो देखने के बाद अपना फैसला जो है वो जारी करती हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया है। बताते चलें कि मोटरवे ज्यादती केस फैसला आ गया, आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। यहां वक्त हुआ है ब्रेक।